सभी 7 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। हरियाणा की भी 10 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और जिस तरह से ये मतदान जारी है तो वहीं पोलिंग बूथ के बाहर भी लोग निकल रहे हैं और पोलिंग बूथ के बाहर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। नरवाना में क्या कुछ स्थिति है मतदान को लेकर, हमारे संवाददाता अनमोल की रिपोर्ट देखिए। नरवाना विधानसभा क्षेत्र में जहां हर वर्ग के आयु के लोग वोट डालने के लिए आए हुए, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग से लेकर युवा तक वोट डालने के लिए आए हुए, धूप का समय है, दोपहर ही हो चुकी है, लगभग धूप निकल चुकी है और उसको देखते हुए भी लोग वोट डालने के लिए आए हैं। भारी उत्साह लोगों को दिख रहा है। महिलाएं हैं हमारे साथ कुछ जो वोट डालने के लिए आई है, सीधे बात करते क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? क्या उम्मीद करते हैं अपने उम्मीदवार से? नौकरी की तरह नौकरी मिलते जो मरे ना, और क्या करना। व्यवस्था कैसी लगती है क्षेत्र की, जब आप वोट देते आए हैं क्या व्यवस्था रहती है क्षेत्र की, क्या सड़कों की व्यवस्था कैसी है, क्या हमारे गलिया में सुधार नहीं कुछ भी, हम सटे पड़े हैं। युवा भी जुट रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं उम्मीदवार से? किस उम्मीदवार से? उम्मीदवार खड़ा हुआ है, क्या उम्मीद करते हैं? विकास की उम्मीद करते हैं, क्या करते हैं उम्मीद? विकास की उम्मीद करते हैं, नहीं विकास किया भी उन्होंने 17 अक्टूबर ने, पहले भी विकास किया और आगे भी करेंगे। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में, क्या लगता है आपको? इस चुनाव मुद्दा है आम जनता का साथ और आम जनता का विकास। बीजेपी की तरह नहीं, एक बार जो सबका साथ सबका विकास, लेकिन अपना अपना विकास किया उन्होंने। क्या उम्मीद करते हैं? भाई साहब मैं सरदार निर्मल सिंह बलड़ी को जिताएंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे, बढ़िया विकास करेंगे। भाई कुछ पहला हरियाणा के स्टेट होंगे और अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री। युवा हैं कुछ क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि छोड़ो ना, सारे लोग इलेक्शन छोड़ के पढ़े लिखे घर आ बैठे सारे। हरियाणा की राजनीति में क्या मुद्दा रहने वाला है? युवा है आप, अक्टूबर जीतने हमारा प्रिय मुद्दा क्या रहने वाला है, क्या खास मुद्दा रहेगा? किस अक्टूबर जब बढ़िया से बढ़िया काम करेगा, बढ़िया काम करेगा तो हरियाणा का रोजगार का है मुद्दा, सभी को रोजगार मिलेगा। जाति पाति के नाम पर हरियाणा में लगा दिया आगे, इन सरकार ने मिलकर सारे काम बहुत बुरा कराया है और इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे और सरकार के लिए नुमाइंदा के लिए बुरे परिणाम। क्या कहना चाहेंगे आप, वोट डालने के लिए आए हैं, धूप हो रही है इतनी, अभी तक मैंने वोट नहीं डाला है और ऐसा है थोड़ा सा दो बजे के बाद ही वोट डालू। पहली बात तो हरियाणा की जो राजनीति, यहाँ जो राजनीतिक है ये भाईचारा की राजनीति नहीं है, ये तो एक आपसी सिस्टम रहेगा सबका, अपना पेट भरो, दूसरे का मत, पहले अपना भरना है दूसरे का मत। दूसरी बात अब एक मुद्दे क्या रहने वाले हैं तो ऐसे सर, पहली बात तो रोजगार, ठीक है, रोजगार किसको मिल रहा है? हर आदमी, पहले लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, अब मोदी जी प्रधानमंत्री बनाए, ठीक है, किसी भी सरकार ने ना तो युवा की तरफ देखा, ना ही हो कुछ नौकरियां, जो बच्चे IPS लग रहे थे, SS लग रहे थे, वो सभी के सभी चौकीदार लगा के छोड़ दिए। काल में अच्छे बिजनेस ऑफिसर जॉब नहीं निकली है, जमीन जॉब अगर काम में लगाने का मतलब ये, जो बच्चे पढ़ने पढ़े लिख के थे, जो सबके सब चौकीदार लगा के छोड़ दिए, उन्होंने किसी को पीएम की नौकरी मिल रही है, किसी को अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा, हर एक आदमी, मैं खुद खेती करने वाला हूँ, किसान सब तंग है, मंडी के तो बढ़िए मोदी सरकार से तंग है, हर एक आदमी परेशान है। और एक राजकुमार सैनी की वजह से इस सरकार ने उसके ऊपर कोई एक्शन तो लिया नहीं और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया सिर्फ जाति पाति का, हर एक इंसान के मन में ये हो रहा है सिर्फ जात पात, मैं जाट हूँ तो मैं जाट को वोट दूंगा, अगर मैं हरिजन तो मैं हरिजन को वोट दे रहा हूँ,
मैं वाल्मीकि हूँ तो मैं वाल्मीकि को वोट दूंगा, मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मण को वोट दूंगा। जैसा कि अलग अलग मुद्दे सभी के कहना है कि अलग अलग मुद्दे इस चुनाव में है, लेकिन जो मेन मुद्दा रहने वाला है वो रोजगार का है, महंगाई का है, तमाम मुद्दे ऐसे रहने वाले हैं जिनको सोच कर लोग वोट देने वाले हैं। अनमोल कुमार, टोटल न्यूज, हरियाणा।